ओके गुड मॉर्निंग गाइस, अभी हम ट्रैवल कर रहे हैं यहाँ से इक्वेला से जा रहे हैं मिरिसा, जो कि यहाँ से 33 किलोमीटर है और जो बस का भाड़ा था वो कुछ 60 श्रीलंकन रुपीज़ का था। ये है बस, श्रीलंका का ये गवर्नमेंट बस है, ये रेड कलर का बस है और अभी खाली था, सीट मिल गया तो अभी बैठे हैं और अभी जा रहे हैं यहाँ से मिरिसा। फिर मिरिसा में बीच पहुँचते हैं और उसके बाद फिर बताता हूँ आपको वहाँ पे कैसा है सारा कुछ। अभी यहाँ पे हम पहुँच गए मिरिसा में और अभी यहाँ से जा रहे हैं अपने हॉस्टल, और हॉस्टल जो है ज़्यादा दूर है नहीं, कुछ 500 मीटर में है। तो अभी जाएंगे हॉस्टल, फिर हॉस्टल में जाके बैग्स वगैरह रखेंगे और फिर जाएंगे बीच की तरफ। तो ठीक है, अभी मैं चेक करता हूँ अपना हॉस्टल किधर है और मिलता हूँ। तो ये सामने जो बोट जा रही है इसको कैटामरन बोट कहते हैं और ये बेसिकली मतलब कि मछली पकड़ने के लिए ये बोट यूज़ करते हैं ये लोग यहाँ पे श्रीलंका में। ओके, तो मैं अभी पहुँच चुका हूँ यहाँ पे मिरिसा में और अपने हॉस्टल में जाके चेक इन कर चुके हैं और टाइम हो रहा है अभी 10:30। और अभी यहाँ पे आसपास में घूम रहे थे तो ये बीच है, जो कि हमारे बीच तो नहीं कह सकते इसको, वैसे ये जो फिशिंग मतलब कि जो फिशरमैन एरिया है ना, वो सारे मछली मारने वाले जितने होते हैं सारे यहीं पे हैं, तो उनके सारे बोट्स वगैरह लगे हुए हैं यहाँ पे। तो ये एक्चुअली क्या है कि मेरे हॉस्टल से बिल्कुल पास ही है, कुछ 50 मीटर होगा, तो इसीलिए हम वैसे देखने के लिए आ गए कि यहाँ पे क्या है। तो अभी बीच पे है दो कि यहाँ से थोड़ा सा डिस्टेंस में है, कुछ 1 किलोमीटर के अंदर ही होगा। तो अभी जाएंगे वहाँ पे भी जाएंगे और अभी बहुत कुछ है यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए, 2 दिन है हमारे पास टाइम। और अभी वेल वॉचिंग के लिए भी जो कि पता करना है कि कौन सा जो है टूर ऑपरेटर जो कि बेस्ट मतलब कि रेट्स देता है, तो मैं पता करता हूँ उसके लिए भी थोड़ा सा, और उसके बाद फिर दिखाऊंगा आपको मिरिसा अभी 2 दिन। चलिए ठीक है, मिलते हैं आगे। ओके, तो गाइस यहाँ पे जितने भी बोट्स हैं सारे एक ही टाइप के हैं, मतलब सारे जो हैं कैटामैरन बोट्स ही हैं यहाँ पे, और जो कि फ़िशिंग के लिए यहाँ पे ये लोग यूज़ करते हैं इस टाइप के बोट्स। तो ये ऐसा होता है कुछ जो कि मैंने आपको दिखाया अभी, तो वैसे काफ़ी कलरफुल हैं तो काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने के लिए यहाँ पे। तो ये देखिए सामने, ये थोड़ा सा मस्त दिख रहा है एकदम कलरफुल सामने। ओके, तो गाइस ये है मिरिसा बीच और ये भी काफ़ी क्राउडेड है यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ लोग जो है स्नॉर्कलिंग भी कर रहे हैं और यहाँ पे सर्फ बोर्ड भी मिलता है सर्फिंग के लिए। तो काफ़ी बड़ा बीच है एक्चुअली, जो डिकवाला में जो बीच था हिरिकेटिया बीच वो थोड़ा सा छोटा सा था, बट ये काफ़ी बड़ा है और काफ़ी ज़्यादा मतलब कि यहाँ पे क्राउड है, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। तो ठीक है, अभी वैसे मैंने वेल वॉचिंग के बारे में थोड़ा सा मैंने पता किया है, तो कुछ वो 9000 का उसका कुछ रेट जो है, 9000 श्रीलंकन कुछ ऐसा है। तो बाकी देखते हैं, अभी कुछ और जगहों से पता करना है, तो जो भी बेस्ट डील मिल जाए फिर उस हिसाब से फिर कल के लिए जो है उसको बुक करेंगे। और ये जो वेल वॉचिंग का टूर होता है ये मॉर्निंग में कुछ 5:30 या 6 बजे तक स्टार्ट होता है और 6 से लेकर 11 बजे तक चलता है। तो ठीक है, अभी देखते हैं पता करते हैं आज इवनिंग तक और उसके बाद फिर उस हिसाब से बुक करेंगे। तो ये है सामने मिरिसा बीच। ये है पूरा का पूरा मिरिसा बीच। Oh,
तो गाइस ये है मिरिसा बीच और यहाँ पे एक छोटा सा माउंटेन है जैसे मैंने आपको दिखाया था। और वहाँ पे आने के लिए आपको बस ज़्यादा नहीं है, छोटा सा एक स्टेयर्स है कुछ, वहाँ पे चढ़ के आना होता है। और वहाँ से आप जब आएंगे तो ये देखिए कुछ यहाँ पे ऐसा देखने को मिलता है, तो काफ़ी गजब का है व्यू यहाँ पे और बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि अभी धूप जो है बिल्कुल भी नहीं है और हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। अभी आपको एक क्रैब दिखाता हूँ जो बिल्कुल केकड़ा जिसे कहते हैं, ये देखिए मेरे सामने है, अभी चल के जा रहा है इधर, ये देखिए ये, और एक वहाँ पे भी है, यानी बहुत सारे हैं यहाँ पे, ये देखिए बहुत सारे हैं। तो अभी यहाँ पे हल्की हल्की बारिश हो रही है, तो अभी यहाँ पे जो है काफ़ी मज़ा आने वाला है यहाँ पे, थोड़ा सा और मैं वेट करूँगा और बीच में जो है थोड़ा सा और घूमेंगे। तो अभी ये छोटा सा माउंटेन है ये देखिए, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है, बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे आए हुए हैं और कुछ यहाँ पे अभी लोकल जो स्टूडेंट्स होंगे शायद उनसे अभी मिला मैं यहाँ पे, तो बड़ा मज़ा आया। और ये देखिए मेरे पीछे आपको दिखाता हूँ, ये देखिए अभी जब वेव्स आएंगे तो कैसे लगेगा यहाँ पे, है ना मस्त। तो ठीक है अभी मैं यहाँ से निकलता हूँ और थोड़ा सा और आगे जाएंगे और आपको दिखाऊंगा। वैसे ये जो ऊपर वाला जो आइलैंड है छोटा सा यहाँ पे समंदर से बिल्कुल कनेक्टेड है, ये देखिए सामने ये है मिरिसा बीच, ये है मिरिसा बीच सामने पूरा। तो अपोजिट साइड में वहाँ पे एक देखिए अभी वो एक आइलैंड है और यहाँ पे भी एक छोटा सा आइलैंड है। तो ये देखिए आगे ऊपर श्रीलंका का फ्लैग। तो ठीक है अभी मैं भी यहाँ से वापस चलता हूँ और फिर जाके बीच में थोड़ा सा वेट करेंगे और उसके बाद फिर लंच का देखेंगे, कुछ पता करते हैं कुछ ढंग का खाना मिल जाए कहीं से। तो ठीक है मैं भी यहाँ से निकलता हूँ और उसके बाद मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द। तो ये है मिरिसा बीच, काफ़ी ब्यूटीफुल है यहाँ पे और काफ़ी क्राउड है, काफ़ी बड़ा बीच है यहाँ पे। स्नॉर्कलिंग गियर भी मिलता है और अगर आपको सर्फिंग आती है तो सर्फबोर्ड भी मिलता है। ओके तो गाइस ये मेरा हॉस्टल है यहाँ पे मिरिसा में, काफ़ी बेसिक है, ये देखिए बहुत ही सिंपल है और यहाँ पे कुछ 8 बेड्स हैं और ये देखिए फैंस लगे हुए हैं और मस्कीटो नेट भी है। तो ये दिखाता हूँ यहाँ पे छोटा सा बालकनी भी है ये देखिए। तो ठीक है अच्छा है, बेसिक है, अपने को क्या है, सस्ता कोई कहीं पे भी मिल जाए तो वहीं पे स्टे कर लेते हैं। और ये है कुछ यू नो $4 का है पर नाइट स्टे यहाँ पे, तो ठीक है सस्ता है, 300 रुपये के आसपास बनता है तो बढ़िया है। तो ठीक है अभी वैसे हम बीच से आए हैं और टाइम हो रहा है कुछ 1 बज रहे हैं, तो अभी थोड़ा बहुत फ्रेश होके और अभी चलेंगे नीचे, और नीचे यहाँ पे वैसे रेस्टोरेंट भी है तो कुछ खाना खाएंगे और उसके बाद देखते हैं थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और फिर 3 बजे करीब करीब जाएंगे बीच। तो ठीक है अभी मिलते हैं आगे।